दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय होटल कारा। अर्की के SDM कार्यालय सभागार में कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अर्की भाजपा मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों व पत्रकारों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जब सारा देश लॉकडाउन में था तो ये लोग बिना किसी भय के लोगों की सेवा में लगे रहे। यह तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दूरदर्शिता रही कि कोरोना ग्रसित लोगों की संख्या नहीं बढ़ी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन भी बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को SMS मंत्र को धारण करना पड़ेगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग की आदत डालनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अर्की मंडल की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम यहां रखा गया था और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मुझे रहने का मौका मिला। आज यहां इस सभागार में वो सब लोग एकत्रित थे, हमारे सभी सामान्य कर्मचारी और अधिकारी, जिनका बहुमूल्य योगदान ये जो बहुत विश्वव्यापी चुनौती है और आपदा जो है इससे निपटने में रहा है। सरकार ने बखूबी जिस प्रकार से दिशा निर्देश जारी किए, समय रहते जो निर्णय किए, अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो हमारे देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने समय रहते जो निर्णय किए और उसके बाद इस आपदा के कारण से जो परिवार जिनके संकट में आने की आशंका थी, उन सब परिवारों के लिए जो कल्याणकारी जो कार्य शुरू हुए, तो उन सब कार्यों का निर्वहन जो है वो हमारे कर्मचारी और अधिकारियों के माध्यम से हुआ है। उसके बाद हमारी प्रदेश सरकार की यदि हम बात करें तो प्रदेश सरकार भी इस आपदा से निपटने के लिए मुस्तैद रही है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो स्वयं रोज़ रोज़ जिला मुख्यालय में सभी जिला के प्रमुख अधिकारियों के साथ जुड़ करके और विधायकों और वहाँ से जो हमारा पार्टी का जो नेतृत्व है उसके साथ भी बराबर वो बात करते रहे हैं और उनकी इस पहल के कारण से कोई समस्या जो है किसी भी हमारे पूरे प्रदेश में किसी भी कॉर्नर में जो है वो खड़ी नहीं हुई है। आज हमने उन सब लोगों को सम्मानित किया है जिनसे समाज की अपेक्षाएँ थी, जिनसे सरकार की अपेक्षाएँ थी, और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने जो उनकी जिम्मेदारी इस काल में बनती है और बनती थी उसका उन्होंने ठीक प्रकार से निर्वहन किया। थैंक यू सर। दिव्य हिमाचल TV के लिए अर्की से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। दिव्यंग क्षेत्र का पहला कॉर्पोरेट लग्जरी होटल होटल कारा, जो कि नालागढ़ रूपर रोड पर स्थित है। 38 कमरों से सजे इस होटल में हर कमरे के साथ बालकोनी है, जो ग्रीन फील्ड और पहाड़ियों का व्यू दर्शाती है। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, स्पेशल हवेली ढाबा रेस्टोरेंट, 2 बैंकेट हॉल, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 2 बार और 1 बहुत बड़ा लॉन। हिमाचल का पहला होटल है जिसमें आने वाले समय में डिस्को टिक भी होगा और माइक्रो ब्रूरी भी होगी। होटल कारा के पास अपना खुद का सैलून, स्पा और एक शॉपिंग मॉल भी है। COVID-19 को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल प्रशिक्षित तरीके से किया जाता है। होटल के स्टाफ को COVID-19 के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी गई है। आपको सारा स्टाफ मास्क, फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा। होटल में बुकिंग करने के लिए संपर्क करें